यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो इस पर एतराज है। कांग्रेस कह रही है कि एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अजय जी, मेरा सवाल यह है कि चुनाव निपट गए हैं, अब दो दिन के बाद नतीजे आने वाले हैं, अब साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर या साइकोलॉजिकल गेम खेलकर बीजेपी को क्या मिलने वाला है, और आपको क्यों लगता है ऐसा कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं? देखिए जनाब, जज भी आप हैं, मुजरिम भी आप हैं, निर्णय भी आप लिखेंगे, वकील भी आप हैं, अपील भी आपने की है, जजमेंट भी आप लिखेंगे। ये देश के लोग कह रहे हैं। ये पिच जो है, अगर गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री, देश के लोग तो आपके साथ है ना अजय जी? मैं कह रहा हूं कि अगर निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री मान लिया कि थोड़ा सवाल भी वही कम कर दीजिए, हमें समय दीजिए, वकील भी वही, थानेदार भी वही, रिपोर्ट लिखने वाला भी वही, लेकिन देश की जनता तो आपके साथ है कि नहीं है? अब प्रॉब्लम यह है कि आप पहले एक मिनट मुझे सवाल पहले भी पूछ ले, बीच बीच में ना पूछिए, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप पूछ लेना, आपका जवाब सारा दे कंप्लीट कीजिए। यहां मित्र मीडिया से बचते नहीं है, भागते नहीं है, यहां तो लड़के लड़ते हैं, जनता के साथ लड़ते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि निवर्तमान, इसलिए 4 तारीख तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में जाने से रोक लगा दी। नहीं, बाद में कह दिया, आपको याद नहीं है, आपके यहाँ दोबारा से कह दिया, वरना आपके यहाँ बैठे हुए नहीं मिलते हम। ठीक, अगर रोक लगा दी गई होती तो कर ली हमने, तो कल भी आपका 6 तारीख का पहले ऐसी क्या परेशानी हो रही थी कि 4 तारीख एग्जिट पोल में बैठ जाएंगे तो क्या चला जाता? एग्जिट पोल के बाद तो एग्जिट पोल भी आने हैं ना। खैर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए अजय वर्मा। मुद्दों पे आइए कि निवर्तमान गृह मंत्री और निवर्तमान प्रधानमंत्री जब इतने शोर है कि अब की बार 500 पार, तो क्यों 150 कलेक्टरों को फोन घुमा रहे हैं, क्यों वो अपने पॉलिटिकल विंडेटा एजेंडा धमका रहे हैं, क्यों वो संतों को जाके धमका के आए हैं वहां बनारस में, जब ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं कि आपके मठों की जांच हो जाएगी, वहां के लोग बता रहे हैं। मैं तो एक चीज कह रहा हूं अजय जी, अजय भाई आप इधर उधर चले जा रहे हैं, मैं एक चीज कह रहा हूं अजय वर्मा जी। मेरा सवाल ये था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकल कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो अब तो वक्त चला गया ना, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अगर वो 100 दिन का प्लान तैयार कर रहे हैं तो? इसलिए लग रहा है कि आज के बाद से लेकर 4 तारीख तक जहां स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जहां ईवीएम मशीन रखी हुई है, अमरीका जैसा पावरफुल कंट्री, ब्रिटेन जैसी पावरफुल कंट्री में जहां पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा हो, तो इनकी मंशा अगर इन्होंने काम करा होता, काम के नाम पर ब्रिजबल रेवन्ना के बलात्कारियों को बचाना, काम के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वॉन्ड खरीद के आप दुनिया भर के भ्रष्टाचार, मतलब रोना आज से ही शुरू है पोल के बाद से, नहीं तो वो जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हुई हैं, इस दौरान ये दबाव बना के कि हताश निराश ना हो जाए, तो वो 100 दिन की मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर क्या एग्जिट, उस पर क्या ईवीएम में जो वोटिंग कैद है, जो लोगों ने अपना मत दिया हुआ है, वो बदल जाएगा? अब आप अंदर मीटिंग में, आप तो है नहीं, मैं तो है नहीं, वो क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए पीएमओ में या पीएम ऑफिस में कोई मीटिंग होने जा रही है, तो उससे क्या जो ईवीएम में कैद नतीजे हैं वो बदल जाएंगे? भाई मेरा विचार जो है उसे तो सुन लीजिए, वो उनकी मीटिंग है, जो आपका विचार है आप जरे, मेरा विचार नहीं सुनेंगे, आप बार बार टोकेंगे, सुन लीजिए कि हमारा ये मत है, जनता का ये मत है, 140 करोड़ लोगों का, 97 करोड़ वोटरों का ये मत है कि इस वक्त केवल केवल घबराए हुए लोग हैं और चुनाव को भ्रमित करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए, आप लोग एग्जिट पोल देखकर घबरा गए हैं? सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए कि क्या आप लोग एग्जिट पोल देखकर घबरा गए हैं या कांग्रेस और विपक्ष बौखला गया? 12,000 करोड़ रुपए जो मित्र मीडिया पर खर्च हुए हैं, उनका भी तो भुगतान होना चाहिए। एक चीज, एक सेकंड रुक जाइए सिद्धार्थ यादव एक सेकंड रुक जाइए। अजय वर्मा जी सुनिए, मैं गया हुआ था बिहार शरीफ और वहां पर मुझे कांग्रेस के एक नेता मिले हुए थे। ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोग क्या है कि आप लोगों को जीतेंगे या हारेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया पर ठीक आप लोगों को फोड़ना है। कांग्रेस के नेता मिले थे मुझे, सुन लीजिए, बता दे रहे हो ज्ञान की बात है, वो हो सकता है उस नेता की पहुंच आपके दिल्ली में राहुल गांधी तक और प्रियंका गांधी तक, सोनिया गांधी तक नहीं हो, लेकिन उसकी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। उस नेता ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है कांग्रेस के एक नेता और कार्यकर्ता होने के नाते जब कांग्रेस ये कहती है कि मीडिया बिकी हुई है और मीडिया को खरीदा जा सकता है।
वो कांग्रेस का नेता ये कह रहा था कि अगर मीडिया बिकती है और मीडिया को खरीदा जा सकता है तो कांग्रेस क्यों नहीं खरीद लेती है, क्यों कांग्रेस पीछे रह गई है, कांग्रेस के पास किस चीज की कमी है, कांग्रेस अगर देशभर में चुनाव लड़ सकती है, पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, तो फिर मीडिया को क्यों नहीं खरीद लेती है? तो सर बातें मत कीजिए, अब रुक जाइए सिद्धार्थ, अब रुक जाइए। अरे रोना शुरू हो गया, अरे अजय वर्मा रोना शुरू हो गया, पहले ईवीएम पर गए, अब पत्रकारों पर आ जाइए, मीडिया हाउसेस पर आ जाइए। सर मीडिया हाउस से मत लड़िए ना, मीडिया हाउस से लड़ने से आप चुनाव जीत रहे होते तो पिछले 10 साल में कम से कम 20 चुनाव आप जीत चुके होते। सिद्धार्थ यादव रुक जाइए, रुक जाइए, सुनिए, सुना दिया मैंने, आपके कार्यकर्ता और आपके नेता जो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते हैं उनकी सोच क्या है? अब सुनिए सिद्धार्थ को, हाँ ये मनगणन मैं जवाब देता हूँ अजय जी, मैंने आपको एक बार मैं नाम बता सकता हूँ उस नेता और उस पार्टी, आपकी पार्टी के उस नेता का नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ, बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे उसका नुकसान हो जाएगा। मैं नाम बता सकता हूँ अजय वर्मा, लेकिन आप अपने नेता अपने कार्यकर्ता को भी नहीं सुनना चाहते हैं, आप लोग इस कदर बौखला गए। सिद्धार्थ रुक जाइए एक सेकंड, अजय वर्मा जी प्लीज, सिद्धार्थ बोलिए, ये मनगणन कहानियां मत सुनाया करिए टीवी पर, कोई बात नहीं, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, आग्रह करूंगा कि आप भी नहीं बोलेंगे। ये विजयनाथ जी जो अभी बात चल रही है, आपने मुझसे पूछा कि एग्जिट पोल देखकर के हम घबरा गए हैं, मतलब हैरानी हो जाएगी अगर एग्जिट पोल देखकर के हमको घबराना पड़ेगा, तो ये कांग्रेस घबराने की बात है? ये हम लोग बात सुन रहे हैं, जो बात हम कहते आ रहे थे, जो देश का मूड देश का सेंटिमेंट हम बताते आ रहे थे, हमने शुरुआत से कहा था ये जितनी जातिवादी, ये जितनी भ्रष्टाचारी, जितनी कास्ट पे बांटने वाली, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके सामने कर्मयोगी जीतेगा। हम शुरुआत से कहते आ रहे थे ये जो भारत के टुकड़े करने वाले हैं, इनके सामने विजन 2047 का जीतेगा। हम कहते आ रहे थे ये लोग या तो मीडिया हाउसेस में चुनाव लड़ रहे थे अपना, या ट्विटर में चुनाव लड़ रहे थे। धरातल में जिन लोगों ने मजाक बनाया वो उन लोगों का, 80 करोड़ हमारी देश की जनता का, जो राशन भी ले पा रही थी, जो लाभार्थी थे, जिनने आवास लिया, जिनने पानी लिया, जिनको बैंक अकाउंट खुलवाए गए, जिनको नए कनेक्शन दिए गए, ये उनका चुनाव था, देश की जनता ने लड़ा। पर मैं एक गंभीर बात कहता हूं विद्यानाथ जी, और आपके शो पे कहता हूं, शुरुआत तो कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, ईवीएम के साथ ऐसा हो गया फोन। मैं एक बात कह देता हूं, ये जो अजय वर्मा जी बैठे हैं ना, ये भाजपा को वोट देकर के आए थे, ये कांग्रेस के नेता है, पर ये जब पोलिंग बूथ पे गए भाजपा को वोट देकर के आए थे। इस बात का कोई प्रमाण दिया जा सकता है क्या? पर ये चुनाव खत्म होते कहने लग गए, डीएम को फोन आने लग गए, 80 डीएम को फोन चला गया, 100 को चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे क्या हो गया? अरे झूठ और सच में तो निकलिए बाहर, देश की जनता का मखौल बनाना। उन्होंने लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व में अपना मतदान किया, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अजय जी, अजय जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अजय जी सुन लीजिए ना, पहले सबसे पहले मैंने आपको मौका दिया था, भड़कता है क्योंकि एग्जिट पोल में आप लोग हार रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको मौका दिया। अजय जी अब बात सुनने की हिम्मत रखिए, देश में लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व हुआ, देश की जनता ने सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में किसी चुनाव में लोगों ने वोट डाला, वो इस चुनाव में वोट डाला, एग्जिट पोल आते ही पूरे चुनाव को कंडम, इलेक्शन कमीशन कंडम, ईवीएम कंडम, सब खराब हो गए। अब फोन जा रहे हैं स्ट्रांग रूम में ऐसा हो रहा है, अरे जाइए अजय वर्मा जी, यहां क्यों बैठे, किसी एक स्ट्रांग रूम के बाहर जाके बैठिए, पहरा दीजिए, पर यहां पर बैठ करके नरेटिव बनाने का काम करेंगे। अगर गड़बड़ी हो रही है तो वहां जाइए। और मैं विद्यानाथ जी बस 10 सेकंड और लूंगा, मैं 10 सेकंड और लूंगा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी को हिस्टोरिक हैट्रिक देने का चुनाव था। 2014 में, 2019 में हम 17 करोड़ 14 में लेके आए थे, 22 करोड़ वोट हम 19 में लेकर के आए, और इस बार जितना वोट भाजपा को मिल रहा है वो पूरी यूरोपियन यूनियन की आबादी से ज्यादा है। जब ऐसा मैंडेट किसी पार्टी को मिल रहा हो तो ऐसा पीयूष कंवर है जो रिसर्च हेड है ईटीजी, तंत्र को कलंकित करने की सबसे बड़ी एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए अजय वर्मा जी, अभी रुके ना, अभी तो क्या है, आप ईवीएम को नहीं मानते हैं, पत्रकारों से लड़ते हैं, अपना सारा वक्त आप जाया करते हैं पत्रकारों से लड़ने में, किसको बैन करना है, किसको बैन खोलना है, इस पर आप लोगों की रणनीति और काम चल रहा होता है।